नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। यूपी के जनपद बुलंदशहर के सैना कोतवाली की टीचर कॉलोनी में निर्गुण मदरसे में मदरसा संचालकों की लापरवाही के चलते टैंक में डूबकर 3.5 साल के मासूम की हुई दर्दनाक मौत। बताया जा रहा है कि मासूम किसी तरह अपने घर से निकलकर निर्माणाधीन मदरसे पर पहुंच गया। मदरसे में मदरसा संचालक की लापरवाही के चलते टैंक का ढक्कन खुला हुआ था, जिसमें अचानक मासूम गिर गया और उसकी मौत हो गई। कई घंटों की देरी के बाद भी मासूम को घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने मासूम को तलाश करना शुरू की, जिसके बाद मदरसे के पास पहुंचे तो मदरसे में बने सीवी टैंक में मासूम तैरता हुआ दिखाई दिया, लेकिन तब तक मासूम की मौत हो चुकी थी। वहीं मासूम के परिजन किसी भी कार्रवाई करने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन साफ साफ मदरसा संचालकों की लापरवाही दिखाई दे रही है। काश सीवी टैंक का ढक्कन पहले से ही ढका होता तो मासूम की जान बच सकती थी। गनीमत रही और मासूमों का टैंक में गिरने से कोई हादसा नहीं हुआ, वरना छोटे छोटे मासूम अक्सर वहां खेलते हुए पाए जाते हैं। पेश है बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट।